हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल यू। देखिए, आज हम क्लास 11th वालों के लिए पाउली के अपवर्जन का नियम बताते हैं। पाउली का नियम क्या है, इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक बताते हैं, ताकि आपको याद हो जाए, अब आपको अच्छी तरह से इंग्लिश हिंदी दोनों में आ जाए। देखिए, पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम यानी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पाउली के नियम के अनुसार किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, यानी देखिए, किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान एक समान नहीं हो सकते। यानी किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान एक समान नहीं हो सकते। क्या देखिए, आपको इतना मालूम होगा कि क्वांटम संख्या कितनी होती है। क्वांटम संख्या चार होती है। कौन कौन सी होती है? मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, द्विगुणसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्कर क्वांटम संख्या। यानी चार चार क्वांटम संख्या के मान, देखिए पाउली ने बताया कि एक समान नहीं हो सकते। देखिए इंग्लिश में क्या है, अकॉर्डिंग टू पाउली, अकॉर्डिंग टू पाउली, ठीक है, पाउली के अनुसार नो टू इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज, ठीक है, फॉर द फोर क्वांटम नंबर्स, फॉर दी फोर क्वांटम नंबर। देखिए, जैसे यन बराबर जीरो, तो यन बराबर जीरो, तो यम बराबर जीरो। देखिए तीन समान है, तो यस बराबर प्लस हाफ हो गया, ठीक है, यन बराबर जीरो, तो यन बराबर जीरो, तो यम बराबर जीरो, तो यस बराबर माइनस हाफ। देखिए ये तीनों तो समान हो गए क्वांटम संख्या, लेकिन यस समान एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है। यही यही क्या हो रहा है, यही समान नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इन्होंने कहा ना कि चारों क्वांटम संख्या के मान एक समान नहीं हो सकते। देखिए चक्रण क्वांटम संख्या में होता क्या है कि ये दिशाएं बताती है, ये चक्रण क्वांटम संख्या जो है, यस जो है, दिशाएं बताती है। एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक वामावर्त होता है, एक दक्षिणावर्त होता है। देखिए जैसे घड़ी सुई है ना, क्या करती है, क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे, जैसे पंखा है वो क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उल्टा हो जाएगा। तो एक देखिए प्लस में बताएगा तो दूसरा आपका माइनस में बताएगा। तो इसी के कारण इन्होंने बताया कि चारों क्वांटम संख्या के मान देखिए एक समान नहीं हो सकता। देखिए हमने आपको पाउली के नियम को याद कराने का सबसे तरीका, देखिए फिर एक बार देख लीजिए। देखिए चारों क्वांटम, तीन क्वांटम संख्या के मान समान है, चौथा क्वांटम संख्या के मान समान नहीं है। इन्होंने बताया किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान एक समान नहीं है। इंग्लिश हिंदी हमने दोनों बता दिया। अब आप जिस जिस बोर्ड से है उसी बोर्ड में आप दोनों याद कर सकते हैं। देखिए हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। लाइक कमेंट हमको जरूर बताइएगा। हमने तो आपको याद करने का ट्रिक बताया। ठीक, दैट ऑल, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर दिस।